नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आज तक नहीं हुआ लेकिन अभी घटना घट गई। जी हाँ साथियों, कतर एयरपोर्ट हेमा कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी हम बात करेंगे। मैटर क्या हुआ, एक जो एयरपोर्ट है उसमें बाथरूम होता है उसमें एक छोटे बच्चे यानी नवजात जो जन्म के साथ ही मर चुका था उसकी लाश कतर एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिल चुकी थी अधिकारियों को। जी हाँ साथियों, तो उस पर शक होने पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट को रोक लिया गया। पूरी हम डिटेल से बात करेंगे उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एयरपोर्ट पर मचा बवाल, एयरपोर्ट की महिलाओं को कपड़े उतारकर उनकी संगन मेडिकल जांच की गई। जी हां साथियों, यह एक बहुत ही बुरा पल था खास तौर से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली यात्रियों के लिए। और बड़ा कोई एरोप्लेन नहीं था मात्र, उसमें मैं बता दूं बस इसका रीजन ये है कि नवजात बच्चे की लाश बाथरूम में मिली तो उनको शक हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी कतर को कि भाई कहीं ना कहीं ये महिलाएं जो प्लेन में चढ़ी हैं कहीं ना उनकी तरफ से तो ये गलती नहीं हुई है कि उन्होंने ये पाप तो नहीं कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि प्लेन को रुकवा लिया उसको। कतर एयरवेज की फ्लाइट QR908 जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी के लिए उड़ान भरने वाली थी सब एकदम टेक ऑफ होने से पहले ही उसको रुकवा लिया गया। रुकवाने के बाद सभी को महिलाओं को नीचे उतारा गया। बता दूं छोटा एयरप्लेन था उसमें 34 पीपल्स यानी जो कैंडिडेट मात्र 34 यानी 34 लोग सवार थे उसमें से 13 पैसेंजर महिलाएं थी। महिलाओं को सबको नीचे उतार लिया गया। नीचे उतार के उनको अलग रूम में ले जाके उनकी डॉक्टरों द्वारा अधिकारियों द्वारा गहनता से जांच की गई मेडिकल। और लगभग 3 से 4 घंटे उनमें लग चुके थे। महिलाएं आपको पता भैया परेशानी तो होती है, 3-4 घंटे बाद महिलाएं वापस एयरक्राफ्ट में फ्लाइट में आके बैठी। मतलब उसमें से कुछ तो रोने लग गई कि हमारे साथ गलत हुआ है। सच्चाई की बात यह कि गलत तो हुआ नो डाउट। फिर उन्होंने पैसेंजर महिलाओं ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि हमारे पूरे कपड़े निकाले गए, हमें परेशान किया गया, हमें वेट करवाया गया वगैरह वगैरह। फिर आपको पता है भैया एलिगेशन तो लगते हैं। फिर ये बात पहुंची ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट तक तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कतर एयरवेज जो अथॉरिटी है उसको फिर खरी खोटी बैंकर। आप बताए यार बड़ी कंट्री है पावरफुल तो फिर आपको पता है सुननी पड़ेगी उनको, मतलब जो भी है कड़ी आपत्ति जताना, ईमेल्स वगैरह जो भी होता है जो प्रोसेस होता है वो सब किया गया। कतर एयरपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई गई है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट आया नहीं है। क्या बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते हैं एक अलग बात है। बाकी वही बात है भाई, जो एक बच्चा एयरपोर्ट के अंदर बाथरूम में अगर मरा पड़ा है तो डाउट ये होगा कि यार क्या पता इनमें से कोई महिला हो जो ये काम कर चुकी हो। तो वो जांच उनका लीगल उनको माइंड थिंकिंग सही थी लेकिन उनके लिए वो रॉन्ग हो गई क्योंकि उनको जिनको उतारा गया उनमें से उनका कोई था नहीं, कोई ऐसा मैटर नहीं निकला। हो सकता है वो फ्लाइट दूसरी थी या निकल चुकी होगी या वो पता नहीं कितने टाइम से वो बच्चा वहाँ मरा पड़ा था वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी घटना हो गई जो यात्रियों के लिए अच्छी नहीं, टाइम भी फ्लाइट लेट हो गई तो कितने एक परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन ये अजीब वाकया घटा जो आज तक सुनने में ऐसा वर्ल्ड लेवल पे कहीं नहीं आया कि एक औरत बच्चे को जन्म दे दिया एयरपोर्ट में बाथरूम के अंदर बच्चा मरा हुआ था। जी हाँ, बस ये जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।